Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload. अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा और तालबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एंजल स्कूल सिस्टम में उर्दू की कोऑर्डिनेटर हूँ। आज के इस सबक में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए सबक आगाज़ करते हैं। मज़मून उर्दू अलिफ है, जमाए दुवम का उन्वान है हम्द। उर्दू की किताब से ये उन्वान लिया गया है। हम्द अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। अल्लाह ताला की तारीफ जिस नज़म में बयान की जाए उसे कहते हैं हम्द। हम्द को किताब से पढ़ने से पहले कुछ नए अल्फाज हैं, गौर कीजिएगा। लफ्ज़ है खूबियाँ। खूबियाँ यानी जो क्वालिटीज़ किसी में होती हैं। आली शान, बुलंद शान वाला। सिखाया, किसी को कुछ सिखाना। बयाबान, ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कुछ ना हो। कुरान हमारी मुकद्दस किताब है। कुरान। इंसान, मेहरबान, मेहरबानी करने वाला, मेहरबान। बिछाई, बिछाना किसी चीज़ को। आसमान, आसमान। और लफ्ज़ है ज़मीन। ये तमाम अल्फाज कुछ नए अल्फाज हैं जो कि हम हम्द में पढ़ेंगे। लफ्ज़ है खूबियाँ, आलीशान, सिखाया, बयाबान, कुरान, इंसान, मेहरबान, बिछाई, आसमान, ज़मीन। प्यारे बच्चों, अपनी किताब से सफ़ा नंबर 1 खोलें और आइए सबक की बुलंद खानी करते हैं। पढ़िए हम्द। नाम है उसका रहमान, नाजल किया कुरान, बनाया हर इंसान, सिखाया फिर बयान। दरिया, समुंदर और बयाबान, और ऊंचे पहाड़ आलीशान। बिछाई उसी ने ज़मीन, उठाया ऊंचा आसमान। हो खूबियाँ क्या क्या बयान, वो है मेरा खुदा मेहरबान। जी तो बच्चों, आपने ये नज़्म को पढ़ा। अब देखें ये जो लफ्ज़ मैंने अभी आपको सिखाए हैं, ये कुछ नए अल्फाज हैं। इन लफ्ज़ों को, ये सारे इन अल्फाज को अपनी नोटबुक पे नकल करें, इमला की हेडिंग दें। ये लफ्ज़ हैं इमला के लिए। अपनी नोटबुक पे इसको नकल करें। बच्चों इमला आपने नोट की। अब हम लिखेंगे अल्फाज मानी। हम्द के अल्फाज मानी हम लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है हम्द। हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ को। हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ। नाजिल, नाजिल करना क्या होता है? नाजिल किया कुरान, हमने अभी हम्द में पढ़ा। नाजिल यानी उतारना, भेजना। उसके बाद है बयाबान। बयाबान का मैंने आपको बताया, ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कुछ ना हो। आलीशान, आली बुलंद, आलीशान ऊंची शान वाले। बयान, बात। तस्करा, किसी चीज़ का तस्करा करना, किसी चीज़ के बारे में बात करना। जी तो बच्चों, इन अल्फाज मानी को हम नाजल, बयाबान, आलीशान, बयान, इन सब अल्फाज और इसके मानी को अपनी कॉपी पर नकल करें। सवालों के जवाब हम करेंगे। सवाल नंबर 1 लिखते हैं, हम्द में रहमान किससे
कहा गया है। जवाब क्या है, किसे कहा गया है हम्द में रहमान? हम्द में रहमान अल्लाह ताला को कहा गया है। सवाल नंबर दो है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम हम्द में से पढ़कर लिखिए। हम्द में मौजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम हैं दरिया, समंदर, पहाड़, बयाबान, जमीन, आसमान। बच्चे इसके बाद सवाल है, अल्लाह ताला की खूबियाँ बेशुमार हैं, कम अज़ कम पांच खूबियाँ लिखें। अल्लाह ताला की कम अज़ कम पांच खूबियाँ लिखिए। सबसे पहली खूबी क्या है, कोई भी हम लिख सकते हैं, वो सुनता है। दूसरी है, उसे कभी ओंघ नहीं आती। तीसरी क्या है, वो मेहरबान है। इसके अलावा क्या है, वो बनाने वाला है। इसके अलावा हम लिखेंगे, वो देखता है। पांच खूबियां हमने लिखी। आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है, इस हम्द में हम आवाज अल्फाज चुनकर लिखिए। हम आवाज अल्फाज हमने हम्द में से चुनकर लिखने हैं। सबसे पहले हैं रहमान, इसका हम आवाज क्या है, कुरान। रहमान कुरान, इंसान, बयाबान, आसमान, मेहरबान। इसके अलावा भी आप हम्द में से हम आवाज़ अल्फाज सुनकर लिख सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ अल्फाज लिखूंगी, उसके आपने जुमले बनाने हैं। अल्फाज जुमले, सबसे पहला लफ्ज है नाम। अल्लाह ताला का सिफाती नाम रहमान है। कुरान मुसलमान, कुरान पढ़ते हैं। इसके अलावा दरिया, इसका जुमला बनाएं। पाकिस्तान के पांच दरिया हैं।
इसके अलावा जुमला बनाएं, पहाड़ ऊंचे पहाड़ जी। तो बच्चों ये अपनी कॉपी पर नकल करें और इसके बाद कॉपी पर नकल करने के बाद आपने पांच ऐसी नेमतों के नाम लिखने हैं जो कि अल्लाह ताला की बनाई गई नेमतें हैं लेकिन उसका जिक्र हम्द में नहीं है। यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई पांच ऐसी नेमतों के नाम लिखें जिनका जिक्र हम्द में नहीं है। उम्मीद है आज के सबक की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। किसी और उन्वान के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.